ये पांच आदतें जो आपको अमीर बनने नहीं देगी। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये पांच आदतें या फिर पांच गलतियों में से कम दो गलतियां तो आप जरूर कर रहे होंगे और इसी कारण से आज तक आप अपना पैसा वेस्ट करते आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो नंबर पांच है हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना। दोस्तों हॉस्पिटल में कभी जाकर देखो, लोग बीमारी से कम और ट्रीटमेंट के लिए पैसा ना होने के कारण सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हमारी हेल्थ के साथ कुछ भी हो सकता है और यह बात कोई भी नहीं बता सकता और हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण मिडिल क्लास फैमिली पर पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हॉस्पिटल के एक बिल की वजह से आपकी फैमिली सालों साल तक पैसों के कर्ज में डूब सकती है। अगर आपका गलती से एक्सीडेंट हुआ या फिर आपको हार्ट अटैक आ गया, जो किसी को भी आ सकता है, तो आपका हॉस्पिटल का बिल कम से कम 5 से 10 लाख रुपए आ जाएगा। और ऐसे टाइम पर आपकी फैमिली के पास पैसे नहीं है तो कहीं से कर्जा लेना होगा और वो कर्जा वापस करने में आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन कर्जा खत्म नहीं होगा और आपके पास सेविंग अमाउंट है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण आपकी लाइफ टाइम की सेविंग अमाउंट एक झटके में डूब जाएगी और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वही आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो आपको पैसों का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से आपका सारा पैसा बच सकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि अमीर लोग के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए वो लोग जरा सा कुछ भी हो तुरंत बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। वो हॉस्पिटल में 1 रुपए का भी बिल नहीं भरते, उनका सारा हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो दोस्तों लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 है EMI। दोस्तों EMI का जाल आपके इजी एंड सिंपल लगता होगा, लेकिन EMI के चक्कर में आप ऐसे फंस जाओगे कि इसमें आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा EMI की वजह से आपका एक्स्ट्रा पैसे जाते कहाँ हैं। EMI की वजह से आप वो चीज लेकर फंस जाते हो जिसकी जरूरत नहीं होती। EMI में बैंक को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और अगर आपका गलती से कोई EMI मिस हो गया तो पेनल्टी के नाम पर 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा हमें देना पड़ता है। EMI ऑप्शन आपको दिमाग में लालच पैदा करता है। आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, आप एक चीज का EMI खत्म होने से पहले दूसरा EMI स्टार्ट कर देते हो। EMI की वजह से आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे क्योंकि आप इनकम से ज्यादा EMI भरोगे। जैसे कि आपका एक मोबाइल फोन लेना है और आपका बजट है 10,000 रुपए, लेकिन EMI के कारण आपके पॉकेट में पैसा हो या ना हो, आप ऑनलाइन EMI ऑप्शन से अपनी औकात के बाहर 40,000 का फोन ऑर्डर करते हो। फोन मिलने पर आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, आपको मजा आता है, लेकिन जब उस फोन की EMI देने की बारी आती है उस दिन पता चलता है कि आपकी सैलरी से ज्यादा EMI देना पड़ रहा है। और यह बात जब आपको समझ में आती है तब तक बहुत देर हो गई होती है। तो दोस्तों EMI से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। नंबर 3 है क्रेडिट कार्ड का नशा। फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। EMI की तरह क्रेडिट कार्ड भी एक नशे के जैसा है, एक बार इसकी आदत लग गई तो इसके बाहर आना इम्पॉसिबल है। क्रेडिट कार्ड से आप बिना पैसे दिए बहुत ज्यादा खर्चा करते हो क्योंकि उस टाइम पे आपके जेब से पैसा नहीं जाता, पैसे जाने की फीलिंग नहीं आती। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं भरा तो बैंक आपसे 30 से 40% का इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट हर दिन बढ़ते रहता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड के जाल में कभी फंसना मत। नंबर 2 है स्पेंडिंग मनी ऑन लुकिंग रिच। आपको अमीर दिखना है या अमीर बनना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो और कितना पैसा वेस्ट करते हो। अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसलिए वो और भी ज्यादा अमीर बनते हैं। और आप अमीर दिखने वाली चीजों में पैसा लगाते हो जिसकी वजह से आप हमेशा गरीब रहते हो। दोस्तों अमीर बनने के लिए सिंपल एंड नॉर्मल रहो, पैसों को वेस्ट ना करके सही जगह पर इन्वेस्ट करो तो ही आप अमीर बन सकते हो। नंबर 1 है नया घर लेना। हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए और अच्छे घर में रहना हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आपके पास खुद का घर नहीं है और आप नया घर लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ और मेरी ये बात को समझो। नए घर के लिए आपको डाउन पेमेंट देनी होगी, फिर उसके बाद 15 से 20 साल की EMI स्टार्ट होगी, उसके बाद ही वो घर आपके नाम पर होगा। लेकिन अगर आपने जरा सोच समझ कर कैलकुलेशन किया और घर ना लेकर वही डाउन
पेमेंट को पैसों को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगा दिया और हर महीने ईएमआई भरने की जगह एसआईपी स्टार्ट कर दी, तो आप 15 से 20 साल में पहले वाले से अच्छा और बेहतर घर वन टाइम पेमेंट में देखकर खरीद सकते हो। इन्वेस्ट करने से आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 मिस्टेक जो हर कोई इंसान करता है, तो आप भी ये गलतियां करना बंद कर दे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।